नमस्कार दोस्तों, डिक्टेशन चालू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग की क्लासेस के पांच जो वीडियोस हैं, पांच चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल चांदा एकेडमी, वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आप रीजनिंग की पढ़ाई करें, ओके। और यहाँ पर मैं अभी 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन देने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। रेडी स्टार्ट। चुनाव सुधारों की धीमी रफ्तार के बीच हरियाणा से अच्छी खबर है। यह खबर नोटा से जुड़ी है। चुनावों में इनमें से कोई नहीं, यानी नोटा को अब हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में ताकत दी गई है। इन चुनावों के दौरान देश भर में ऐसा पहली बार होगा जब ईवीएम पर नोटा को भी एक उम्मीदवार की तरह गिना जाएगा। हरियाणा में 5 जिलों में नगर निगमों के चुनाव होने को हैं। वहां राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अगर चुनाव में मतदाताओं ने नोटा को सबसे ज़्यादा मत दिए तो वहां नतीजे नोटा के पक्ष में ही होंगे और दोबारा चुनाव कराया जाएगा। खास बात यह भी है कि जो उम्मीदवार नोटा को बढ़त की वजह से हार जाएंगे वे दोबारा वहीं होने वाले चुनाव के लिए अयोग्य भी घोषित हो जाएंगे। दरअसल नोटा का ईवीएम में प्रावधान ही इसलिए किया गया था कि यदि किसी मतदाता को चुनाव मैदान में खड़े उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वह मतदान केंद्र पर जाकर भी अपना वोट नोटा के रूप में दे सकता है। जाहिर है यह प्रावधान मतदाताओं का उन प्रत्याशियों के प्रति गुस्से का इजहार करने के लिए था जिन्हें राजनीतिक दल अपनी मर्जी से चुनाव मैदान में उतारते रहे हैं या फिर कोई निर्दलीय भी उसकी पसंद का नहीं होता। अब विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में तो हो गए हैं तथा कुछ में होने हैं, लेकिन अगले साल लोकसभा के लिए आम चुनाव भी होना है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हरियाणा के स्थानीय निकायों की तरह विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा के चुनावों में भी नोटा को यह मजबूती नहीं दी जा सकती। फिलहाल तो तर्क यह दिया जा रहा है कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में नोटा को कम वोट मिलते हैं, जबकि निकाय चुनावों में मतदाताओं की कम संख्या से नोटा को किसी उम्मीदवार से ज़्यादा मत मिलने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा तर्क नोटा प्रावधान को मजबूती देने की दिशा में होने वाले प्रयासों को कम करने वाला ही होगा। विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के, कई बार तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार मैदान में होते हैं कि मतदाता तय ही नहीं कर पाते कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। ऐसे में किसी भी मतदाता के पास तीन ही रास्ते हो सकते हैं। पहला तो यह कि वह सभी उम्मीदवारों में से कम बुरे को चुने। दूसरा यह कि वह नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का बटन दबाएं और तीसरा यह कि वोट देने ही न जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा या लोकसभा चुनावों में यदि बहुसंख्यक मतदाता नोटा को वोट देते हैं तो क्या वाकई वे अपने गुस्से का इजहार ठीक कर रहे हैं? जवाब निश्चित ही होगा नहीं। आज जब
सोशल मीडिया का दौर है। विधानसभा चुनावों में भी एक वर्ग ऐसा है जो सभी उम्मीदवारों को खारिज करते हुए नोटा को वोट करना चाहता है, लेकिन सिर्फ हारने जीतने वाले नेताओं की चुनावी गणित खराब करने के अलावा नोटा से फर्क पड़ने वाला नहीं। स्टॉप। दोस्तों, एक जगह पे मैंने विधानसभा और लोकसभा के आगे राज्यसभा भी जोड़ दिया, वो गलती से हो गया, उसके लिए माफ़ी। तो वहाँ राज्यसभा नहीं आएगा, असल में जो आपको मैं पैरा ये सामने दिख रहा है आपको उसमें दिख जाएगा। इसका आप चेक कीजिए कितनी गलतियाँ आपकी निकली है, कितनी गलतियाँ हैं उनको सुधारिए और फिर वापस करिए एक बार और इससे आपकी गति इम्प्रूव होगी और गलतियाँ कम होगी। और अशुद्धियों को भी चेक करिए ताकि अशुद्धियाँ भी कम हो, काफ़ी मायने रखती है एक अशुद्धि भी, आधा नंबर भी काफ़ी मायने रखता है एसएससी के स्किल टेस्ट में या फिर जो भी एग्ज़ाम देते हैं हाई कोर्ट वाले स्किल टेस्ट में, तो सब इम्पॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में एक कोचिंग कोर्स का जिक्र किया था आपसे कि रीजनिंग की क्लासेस चालू हो गई है, तो वहाँ पर अपना देखिए मेरे पास अभी 23 स्टूडेंट्स के ही नाम आए हैं, तो 23 स्टूडेंट्स के नाम और उनका जो वहाँ रहते हैं वो लोकेशन वाला जो था वो आया है उनका, तो आप भी वो सेंड कर दीजिए मेरे को अगर आप वहाँ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो। और वहाँ ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए कब नया वीडियो आ रहा है, कब नया वीडियो नई चीज़ आ रही है वो चीज़ समझिए वहाँ पर। और रीजनिंग की क्लासेज है, अभी रीजनिंग की क्लासेज चालू हुई है, तो जितना जल्दी हो सके और भी चीज़ें चालू होगी, जैसे जैसे परिस्थितियाँ मेरे यहाँ इधर की तरफ से ठीक रहेगी वैसे वैसे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलना चालू हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब किए चांदा एकेडमी को, वो उसको और आगे लेकर जाना है अपने को, और जितना हेल्प कर सके जितना आगे बढ़ा सकें उतना आगे बढ़ाना है अपने को। तो धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, बाय।